पानीपत के गांव बिहोली से बीते रोज पारिवारिक कलह के चलते अनिल नामक एक व्यक्ति अपने तीन बच्चों के साथ अपनी इको गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परिजन संभालका थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। पुलिस द्वारा भी उसकी काफी तलाश की गई। वहीं पुलिस को पानीपत के सामान्य अस्पताल द्वारा सूचना मिली कि एक अनिल नामक युवक निवासी बिहोली संदिग्ध अवस्था में पानीपत के गोहाना रोड इको गाड़ी में मिला है, जिसको पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया और जांच के दौरान वह मृत पाया गया। परिजनों को इसकी सूचना दी गई और परिजन सामान्य अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों ने मृतक की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि मृतक की पत्नी के बदमाश किस्म के लोगों के साथ अवैध संबंध है और कई बार मृतक अनिल ने उसे रंगे हाथों काबू भी किया है। इसके कई वीडियोस भी उनके पास है। परिजनों ने यह भी कहा कि मृतक की पत्नी ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद मृतक अनिल मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मृतक के पिता जयचंद ने कहा कि बीते रोज अनिल अपने तीन बच्चों के साथ अपनी इको गाड़ी लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। वहीं परिजनों ने बताया कि अनिल के साथ उसके तीन बच्चे भी घर से निकले थे, जो अभी तक लापता है। वहीं डीएसपी सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि शव का पोस्टमार्टम पानीपत के सामान्य अस्पताल में करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद हत्या या आत्महत्या का खुलासा होगा। कल तो ये सर जी वो ना मैं बाहर में जाकर बैठा था अपने घर, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो अंदर थी, वो पीछे से पड़ोस की जो छत थी ना, उस पर मैं उतर के और यहाँ पानी पत आ गई थी। तो जब वो आ गई तो हमने उसकी थाने में भी जाकर उसकी छानबीन करी, तो थाने वालों ने भी मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं करी थी, नहीं कोई अप्लीकेशन लिखी थी और ना कोई कार्रवाई करी थी। हमने एक बार पहले भी थाने में अप्लीकेशन दी थी, तो थाने वालों ने पहले भी कोई कार्रवाई नहीं करी और कल भी कोई कार्रवाई नहीं करी थी। तो फिर वहाँ से हम आने के बाद जी, तो फिर हमें सोचा मैं भाई चलो इसकी अप्लीकेशन हम महिला थाने दे देते हैं, होगी जब हमारे से घर से लापता पता होगी तो इसकी महिला थाने चले टका देंगे। तो जी हम फिर इस बार महिला थाने गए जी, तो हमने वहाँ अप्लीकेशन लिखी थी, तो मैं कह लेंगे भाई जैसे ना तुम्हारा गाँव ज्वेली है, तो तुम्हारे ज्वेली की जो अप्लीकेशन है और तुम्हारी पानीपत के जो ये सदर थाना नहीं थी यहाँ, तो यहाँ थारी वो अप्लीकेशन मतलब दी जाएगी, तुम वहाँ जाओ। तो वहाँ जब हम रास्ते में आ रहे थे पानीपत की तरफ, तो जी तो हमने यहाँ मकान ले रखे जी, तो हमने किरायादार से ये कह रखा था मका भाई जब वो हमारी घर से मतलब तीनों बच्चों ने लेकर यहाँ से वह भागी है, जब यहाँ आ जाए ना तो जी हमारे को पता कर देना। तो जी फिर हमारे किराएदारों ने मतलब हमारे को ये तला दिए भाई तुम्हारी जो बहू है और तुम्हारे यहाँ जो मकान है इसके ऊपर वो आ गई है जी। तो जी वो आने के बाद तो फिर हमने थाने में यहाँ महिला थाने में जब हमारी बहू मिल गई थी, तो फिर हमने थाने में दिखा देने की तो कोई वो जरूरत थी नहीं थी, तो फिर हम वहाँ मकान पर चले गई अपने मकान पर। अपने जाने के बाद तो जी वो मकान पर जाने के बाद हमने कहा बेटी तू बगैर कया बगैर समझाए ये क्या नाम यहाँ क्यों रहे है, जब तेरा गांव में मकान बना दिया हमने तो अपने प्यार प्रेम से अपन तू गांव में रहो। वो बोले जी मैं तो रहना नहीं है मतलब गांव में रहना चाहती। मगर बेटा क्यों नहीं रहना चाहती, अगर मेरा तो वहाँ दम घुटा है, दम इसलिए घुटा है क्योंकि वहाँ तो जी ऐसे ना जी का अंदर अंदर होगी दिहाड़ी, कभी नहीं कभी मजदूरी कहीं नहीं जाती थी, घरे घर में रहना था जी, दो रोटी बनानी थी खानी थी, सारी चीज़ की ऐसा आराम थी। यहाँ उसका सर ये था जी सारे गलत बच्चों से संबंध था और बिल्कुल गलत था, लड़के ने कई बार उससे कहा जो तू ये गलत काम पर चल रही है ना आरती, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, हमारे खानदान में ये ठीक है ठीक नहीं है, तू सुबह इन बातों से बाज आ जा। तो उसने ये बात सुनी अनसुनी कर दी। तो जी उसके बाद लड़का बोला चलो खैर कोई बात नहीं, जब तक मेरा पूरा सबूत मेरे हाथ में आना ना मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। तो लड़के ने जी वो लड़का अपनी आँखों से देख लिया और देखने के बाद उस लड़के की मतलब वीडियो उसने पकड़ी और उसकी वीडियो तो काफ़ी पकड़ रखी थी, लेकिन वो साथ के साथ एक चलाकी करती रही
अब जैसे मतलब बात कर रही ना, जिस भी लड़की से जैसे भी जान कर दी, उन्हें साथ के साथ काट देती। एक दो वीडियो तो मेरे फ़ोन में भी है जी, मेरे बड़े वाला लड़का उसके भी फोन में लड़का है जी। हुआ क्या जी? फिर हम बहू को घर ले गए जी, यहाँ से पानीपत से बहू घर ले गए। घर जाने के बाद जी तो वो बहू अपना अंदर अपने कमरे में थी, हम मतलब हम सारा परिवार बाहर बैठा था जी। तो फिर वो लड़का जी के ना बच्चों ने और चिप्स दुकान आया जी बार दुकान पे, तो मेरा बीपी हाई हो रहा था जी, मैं मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं डॉक्टर को मैं और मैंने करवा ली, दोनों जने जी दवाई लेने जाऊँ थे। तो लड़का तीनों लड़कों मैं लेकर वहाँ दुकान पर मतलब चीज़ रहा था जी, और बच्चों खिड़की गाड़ी खिड़की खुली रही थी। तो मैंने लड़के से कहा बेटा तू अपना घर चला गया, बच्चों को चीज आ दी। तो जी खुदा खास्ता वहाँ डॉक्टर मिला नहीं, मैंने थोड़ा टाइम लग गया। टाइम लगने के कारण तो मैं थोड़ी मतलब लेट हुआ आया, तो इत घर आया तो जी मतलब ना गाड़ी पाई, ना मतलब तीनों बच्चे पाए, ना ये लड़का मेरा अनिल पाया। तो मारे को ऐसे पता लग गया, तो हमारे गांव के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करते हैं जी, तो उन्होंने ये मारे इसको चलाता था जी, तो उन्होंने गाड़ी खड़ी देखी जी, उन्होंने कहा कि ये तो पड़ोस की फलाने के लिए, ये तो अनिल की गाड़ी है। तो उसने देखा तो जी देखा तो ये मतलब गाड़ी में था जी, मतलब जिस भी हालत में था जी। तो उन्होंने पुलिस वाले आ गए जी, अब पुलिस वाले ने और जी उन्होंने जैसे कि हम तो थे नहीं जी, तो उन्होंने था कि यहाँ अपना दाखिल कर दिया जी। गाड़ी में मृत अवस्था में मिले थे वो? हाँ जी, मरी हुई अवस्था में मिले थे गाड़ी में वो? मतलब दम तो उन्होंने हॉस्पिटल तोड़ा जी। कहाँ पे मिली है गाड़ी की? मोड़ पे जी। बच्चों को कितने बच्चे थे? तीन बच्चे जी। लड़के थे लड़की? दो लड़के एक लड़की जी। कितनी उम्र की लड़की? तो पक्का 7-8 साल की होगी लड़की, बड़े बड़े 7-8 साल की मतलब लड़की है जी। एक 4-1 साल का है जी, और जी छोटे वाला लड़का मेरे कल कर जी 2-2.5 साल का होगा जी। लड़का सबसे छोटा? हाँ लड़का ही सबसे छोटा। अभी तक अभी तीन मिले, तीनों बच्चे घर से लेकर मिले नहीं अभी तक? नहीं अब तीन कोई बच्चा नहीं मिला। क्या आपको पहले प्राथमिक आशंका क्या लगती है, किस वजह से मौत हुई? कुछ जहरीला पदार्थ खाया या कैसे मौत हुई, कुछ क्या लगता है आपको? गाड़ी में चोट के निशान मिले हैं क्या? नहीं मेरे ये तो जो पोस्टमार्टम होगी जी, हम तो घर थे जी, हमको तो पता नहीं जी। मतलब हॉस्पिटल में आप लेके गए, आपने देखा भी होगा? सर जी मैं नहीं ले गया हॉस्पिटल में तो पुलिस वाले ले गए थे। तो पुलिस वाले ने क्या नाम उसको अंदर कर दिया था। तो जब हम आए तो जी उसके समझो ख़त्म था जी। और मेरा नाम जयचंद, मैं उसका पिताजी हूँ अनिल का। कौन से हॉस्पिटल में करवाया था? बेली गांव के युवक का एक ब्रो डेड करूँ का हमारे वापौली थाना में आया था, और उनके रिलेटिव ने एक FIR दर्ज करवाई है उसकी पत्नी के खिलाफ, मरने वाले की और उसके सालों के खिलाफ और एक अन्य के खिलाफ FIR करवाई कि उनसे तंग आके बच्चों को लेके गया था। उसमें FIR कर लिए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और बच्चे वो तीन बच्चे साथ लेके निकला था उनका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, CIA की टीम भी हमने लगाई है, और थाने वाले भी उनकी तलाश कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक